वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मटन दलीम, जो मुहर्रम में बनता है। दलीम या हलीम? अरे हलीम कह लो, दलीम कह लो, जो भी कह लो, नाम तो सबने अपने अपने तरीके से। मैं तो कंफ्यूज हूँ और मुझे सच्ची में नहीं पता है वो दलीम बोलते हैं या हलीम बोलते हैं या दलीम और हलीम बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है हरीस, जो ऊंट के गोश्त से बनता है, असली घी और बादाम पिस्ते में। तो मैं बोल रहा था कि जिसको रियल नेम या जिसको इसकी ओरिजिनलिटी पता होगी वो कमेंट करके जरूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं, दलीम है, हलीम है, अम्मी बोलते हरीस है कि जो ऊंट से बनती है ना, गोश्त से ओरिजिनल हरीस बनती है, असली घी असली बादाम पिस्ते में ही तैयार होती है वो। वाह, तो आज मेरे लिए कुछ है कि नहीं? हाँ है ना, तेरे लिए है ना। तो चलो अभी नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि मटन हरीस, दलीम, हलीम बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेगी। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, गेहूं, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, बासमती चावल, नींबू, प्याज, कोतमीर, पुदीना, तलेली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ खड़े गरम मसाले ली हूँ मैंने, आधा चम्मच काली मिरी, दो बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, तीन तेज़पत्ते, एक चक्रफूल, तीन लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 8-10 छोटी इलायची और ये कबाब चीनी 1 चम्मच ली हूँ, और 1 चम्मच शाहजीरा, और 1 टुकड़ा ली हूँ मैंने जायफल का। यहाँ पे ली हूँ मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ ली हूँ मैंने दही, हरी मिर्ची, पिस्ता, काजू, बादाम। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को दाल का रेशो। तो मैंने 1/2 किलो मटन ली हूँ ना, तो वो हिसाब से आपको ये बता रही हूँ कि मटन से हमको कम लेना है दाल। ये 150 ग्राम गेहूँ है जो मैंने रात से भिगा के रख ली थी, और दालें मैंने नहीं भिगाई थी। गेहूँ भिगाएंगे तो दाल हम इसी तरह से इसमें मिला के गला देंगे तो बहुत अच्छे से गल जाएगी, इसलिए सिर्फ गेहूँ भिगाना है। तो ये 150 ग्राम दाल है और ये 50 ग्राम गेहूँ है। अच्छा, ये 150 ग्राम गेहूं है और ये 50 ग्राम पूरी उड़द की दाल है, ठीक है। ये मूंग की दाल 2 चम्मच ली हूँ मैंने, मसूर की दाल 2 चम्मच ली हूँ, चने की दाल ली हूँ मैंने 3 चम्मच, और 3 चम्मच ली हूँ मैंने बासमती चावल, और 2 चम्मच ली हूँ मैंने तुअर की दाल। यानी कि ये पूरा टोटल मिला के है ना वजन में 350 ग्राम है, ठीक है। 1/2 किलो गोश्त ली हूँ मैंने, तो ये 350 ग्राम पूरी दालें है, मतलब हमको गोश्त से कम लेना है दाल गेहूं जो भी ले रहे, ठीक है। इसमें गोश्त ज्यादा होता है और गेहूं और दालें कम होती है। अब मैं इसी के साथ मिला दूंगी, ये भिगे हुए गेहूं जो है ना, इसी के साथ सब मिला दूंगी। चावल 500 ग्राम चिकन है, 350 ग्राम ये सब है। हाँ, ये सारी दाल चावल गेहूं सब मिला के कम है। आप लोग कभी भी हलीम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना, अगर ये 350 ग्राम से कम भी हुआ, 300 ग्राम भी हुआ तो भी चलेगा, ठीक है ना। 350 ग्राम से 300 ग्राम भी हुआ तो भी चलेगा 1/2 किलो गोश्त के लिए। अब मैं इसको धो लूंगी, ठीक है, 2-3 पानी से। और मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, जो ये गरम मसाला मैंने ली हूँ खड़े गरम मसाले, इसमें मैं ये 3 तेज़पत्ता और ये दालचीनी छोड़ के इसको पूरा बारीक पीस लूंगी, इसके छिलटे निकाल लूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये काजू, बादाम और ये पिस्ता, इसका भी मैं पाउडर बना लूंगी मिक्सर में, ठीक है। ये अलग पीसेंगे और हाँ, ये अलग पीसना है हमको, और ये गरम मसाला अलग पीसना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काजू पिस्ता जो भी ली थी ना वो सब पीस ली हूँ, और यहाँ पर मैंने गरम मसाला जो ली थी वो भी पीस के ले ली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ, यहाँ मैंने जो आपको दालें जो मिक्स करके बताई थी वो धोई हूँ और ना ही भिगाई हूँ ना कुछ, बस इसको हम गला लेंगे। हमको गेहूं को भिगाना था, हमने गेहूं को भिगा लिए। गेहूं फूल के ही 1/2 किलो इतना हो गया है, 150 ग्राम गेहूं मैंने भिगाई थी, माशाल्लाह डबल हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे, बस हमको इतना ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। और बस हम इसको 2 गिलास पानी डाल के 2 से 2.5 गिलास डाल रही मैं
ताकि हमारी दाल बस नीचे जले नहीं, है ना। इसको ऐसा करके हिला लेंगे हम पहले आराम से। दालों के ऊपर तक पानी आ गया है, मतलब हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी दाल गल रही है एक कुकर में, जब तक हम दूसरे कुकर में हमारा कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 वाटी भर के तेल डाली हूँ। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब हम डाल देंगे इसमें ये 2 बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तेल ली हूँ बनाने के लिए, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत से लोगों का जी मचलाता है ना घी से, इसके लिए आप तेल से भी बना सकते हैं। मतलब असली घी हजम नहीं होता। हाँ, बहुत से लोग को नहीं होता है असली घी, जी मचलाता है, चिकट हो जाता है ना। ये हरीज कैसा होता है, एकदम रेशेदार चिकट हो जाता है, इसके लिए मैं इसको घी में ही बना रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरी प्याज थोड़ी सी पक गई है, हमको इसको ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारा हरीज का कलर काला हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्याज को पकाना है, लाल पीला नहीं करना है। तो अब डालूंगी मैं इसमें 1/2 किलो गोश्त, जो कि मैंने हड्डी के साथ ली हूँ, और हड्डी भी इस तरीके की ली हूँ जो इसके टुकड़े होके पूरे हरीज मुँह में नहीं आएंगे। जिसको हमको छाटना पड़ता ना, हम वो नौबत नहीं आने देंगे। इसके लिए मैंने एक नली और एक चाप की हड्डी और इस तरीके की हड्डी ली हूँ, बाकी हमने सब गोश्त लिए है, ठीक है, बोनलेस। बस 2-3 हड्डी ली हूँ, और वो भी हड्डी देख के लेना, जो खराब ऐसा चूरा चूरा हो जाती है ना, वो वाली हड्डी नहीं लेना। और इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी ऐड करी हूँ। हाँ, अब हम डालेंगे इसमें हमारे मसाले। अब मसाले डालेंगे हम इसमें, 1 चम्मच डाल देंगे नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। आप डालेंगे इसमें 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन, अदरक लहसुन इसमें अच्छा भरपूर डालना। अब इधर डालेंगे हम ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मिर्ची की बुकी और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी हम डाल देंगे सब इसमें। अब डालेंगे ये 2 हरी मिर्ची, इसके साथ ही साथ डालेंगे हम थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा कोथमीर, और उसके साथ ये यहाँ पर हमारी पहली सीटी हो गई है दालों की, है ना। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, गोश्त का पानी सूखे तक हमको थोड़ा सा भूनना है। इस तरीके से, मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को, झटपट आप बना सकते हैं इसलिए, ठीक है ना। बस मैं इसको 5 मिनट के लिए भूनने छोड़ूंगी, ताकि थोड़ा सा पानी इसका रिलीज हो जाए। तो देख रहे हैं आप लोग, मटन ने अच्छा पानी छोड़ दिया, मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी तो ऐसा है कि आपको आपके गोश्त के हिसाब से डालना पड़ेगा, कि आपका गोश्त कितने पानी में गल सकता है उतना अंदाजे से। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल दूँ, और मुझे मालूम है मेरा मटन आराम से गल जाएगा इतने पानी में। अब हम इसको बंद करके इसकी सीटी लगा देंगे। कम से कम इसको अभी 1/2 घंटा तो मैं छोड़ दूंगी, और 10 मिनट इसको भी फास्ट पे रखूंगी, उसके बाद 20 मिनट इसको मैं स्लो पे पकाऊंगी। तो मेरी दाल अच्छे से गल गई है, 6 से 7 सीटी हो गई थी तो मैंने बंद कर दी थी, अब ये गैस मेरा ठंडा हो गया है। माशाल्लाह, ये तो अच्छे से गल गया है। अब क्या करूंगी मैं, इसको घोट लूंगी। अगर आपको घोटना है तो घोट लीजिए, मिक्सर में डाल के पीसना है मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। देखो, बड़े बड़े देगों में हलीम बनता है तो वहाँ पे एक फंके वाली मशीन आती है, वो उसमें डाल देते हैं, ऊपर से बटन चालू कर देते हैं। इतने बड़े बड़े डेग में थोड़ी ना हाथ से घोटते बैठेंगे, फिर लोग मशीन में दालों को पीस के फिर गोश्त को हाथ से घोटते हैं, तो हम भी इसको थोड़ा पीस लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, दाल को मैंने अच्छे से घोट के कढ़ाई में निकाल ली हूँ, और अभी भी इसको मैंने कढ़ाई में भी घोट ली हूँ। मैंने इसको पीसी नहीं हूँ मिक्सर में, इसको जितना हो सके मैंने हाथों की मदद से ही घोटी हूँ,
दाल घोटने से। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। और हमारा यहाँ पे भी आधे से पौना घंटा हो गया है कुकर का, तो हम जरा इसको भी, ठंडा तो हो गया है, इसको भी खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो इसको देख लूँ पहले मैं कि कितना गला है गोश्त। माशाल्लाह गल तो गया है अच्छा खासा, है ना, एकदम गला होगा इसमें। हाँ, एकदम गले हुए, देखो ना हाथों से टूट जा रहा पूरा रेशा रेशा। अब आपको मैं एक घोट के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पहले इसका थोड़ा सा जो ऊपर तेल जम जाता है ना, तो वो हम इसलिए निकालते हैं कि हमको एक्स्ट्रा तेल इसमें डालने से बच जाएंगे। जो बघार के लिए हम डालते हैं ना तेल, तो ये ज़्यादा तेल हो जाएगा हमारे जिस्म में जाने के लिए, तो हम यही तेल से काम करेंगे तो हमारे को एक्स्ट्रा तेल डालने से हम बच जाएंगे। तो देख रहे आप लोग, माशाल्लाह मैंने पूरा तेल निकाल ली हूँ बाहर। अब क्या है, इससे क्या होगा, जिसको जितना तेल लगेगा वो दो चम्मच एक चम्मच अपने हिसाब से लेके खा सकता है। अब मैं इसको पूरा पहले पलटी कर लूँगी और अच्छे से इसमें जो हड्डी वगैरह है ना, देखो मैंने हड्डी तो वैसे भी नाम के लिए डाली थी, हड्डी ज़्यादा डाली ही नहीं थी, ये तो खाली हो गया है पकते पकते, तो बहुत ईजीली हमको ये हड्डी को भी हटाने के लिए आसानी हो जाएगी। और एक डाली थी मैंने सिर्फ चाप वाली, है ना, वो भी इजीली मैं निकाल लूँगी। तो देख रहे आप लोग, हड्डी मैंने बहुत इजीली निकाल ली हूँ, क्योंकि मेरा गोश्त एकदम ऐसा गला है ना मशके के जैसा, कि एक झटके में हाथ में हड्डी आ गई मेरी, बोटी तो ऐसी मशके की जैसी हो गई है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो देख रहे आप लोग, अच्छे से घोट ली हूँ मैंने, मेरा मटन अच्छा रेशा रेशा हो गया है। मैं आपको बता दूँ, ये देखो है ना, पूरा रेशा रेशा हो गया है अच्छे से, दिख रहा रियाज है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम दाल में डाल दें या दाल को इसमें डाल दें, बात एक ही है क्या नहीं। अब ये तो हमारा एकदम अच्छे से सूख चुका है, इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाले थे, घोट के इसको ऐसे ही रखे थे, तो ये थोड़ा सूख गया है। अब मैंने यहाँ पे दूसरे गैस पे क्या करी हूँ, यहाँ पर पानी रखी हूँ, गरम पानी। ठीक है, हमें इसमें गरम पानी ही ऐड करना है, ठंडा बिल्कुल नहीं, वो भी जितना लगेगा उतना ही। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये काजू बादाम पिस्ता ये जो मैंने डाली हूँ ना, ये हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा एक चुटकी भर रखिए। और ये गरम मसाला ये भी हम डाल देंगे इसमें, ये भी थोड़ा सा हल्का सा रखेंगे। अब डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज, ठीक है, ये भी मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें निचोड़ूंगी नींबू, नींबू आपको आपके हिसाब से निचोड़ना है, क्योंकि हम खाने के टाइम पे भी ऊपर से नींबू लेते हैं, है ना। इसमें एक बीज चली गई है मेरी, ये निकाल लूँ मैं, ठीक है। अब हम इसको पूरा मिला लेंगे, किससे मिलाएंगे, इससे दाल घोटनी से, और इसमें थोड़ा 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 करके हम गर्म पानी भी ऐड करते जाएंगे। ये इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, है ना, बहुत संभाल के करना ये, क्योंकि ये घट होता है तो उड़ने का टेंशन रहता है। अब इसको मैं आपको दाल घुटनी से पूरा घुट के फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो देख रहे आप लोग, तैयार हो गया है मेरा दलीम, मस्त वाला एकदम, है ना, दलीम हलीम क्या हरीश, हाँ जो बोलना है आप बोल लो, मैं आपको इंशाल्लाह ना ओरिजिनल हरीश भी बहुत जल्दी बना के बताऊंगी, गोंद वाला, ठीक है। लेकिन ऊंट कहाँ से लाएंगे फिर बनाएंगे बनाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, देख रहे आप लोग, ये मेरा अभी हो गया है रेडी। इसमें मैंने नमक वमक टेस्ट कर ली हूँ, अभी यहाँ मैंने पानी रखी थी ना गर्म करने के लिए, बस मैंने वो भी डाली हूँ, पौना गिलास पानी इतना डाली हूँ। हमको इसको पतला बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, पतला बिल्कुल नहीं करना है, और ये ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्वांटिटी भी इसकी कम रहती है, उसी में पेट भर जाता है। अभी मैं डाल दूँगी इसमें ये जो बचा हुआ हमने पिस्ता विस्ता रखे थे ना साइड में, ये भी हम डाल देंगे, ये गर्म मसाला हमने रखे थे साइड में, ये भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मस्त हमारा हरीश हो गया है रेडी, देख रहे हैं आप लोग, हाँ
अब मैं इसको निकाल के बताती हूँ आपको। तो देख रहे आप लोग, मैंने निकाल ली हूँ इसमें, आहा, ये इस तरीके से मस्त एकदम। अब क्या करेंगे हम, इसमें डाल देंगे तेल जो हमने निकाल के रखे थे ना साइड में, ये तेल डाल देंगे। इसको खाने का ये ऊपर से डाल कर ही पड़ता है, या फिर आप असली घी मस्त बना के उसको तड़का मार के वो भी डाल सकते हैं, है ना। अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, ये तो प्याज तो जान रहती है, है ना। अब डाल देंगे हम थोड़े से इसमें हमारे काजू बादाम, तो मैंने बादाम काजू तो पीस के इसमें मस्त डाली हूँ ढेर सारा, इसके लिए खाली काजू का इसमें गार्निश कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको हम नींबू भी रख देते हैं, जिसको नींबू लगता है नींबू लेके खाएगा, है कि नहीं, ये इस तरीके से। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना हरीश, है ना, दलील 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 हलीम दलीम हरीश और कौन फरार रखता है जुबेर खान जुबे, सब तैयार हो गया। खाने से मतलब पहले तो मुझे लगा कि मैं खिचड़ा टाइप का कुछ बना रहे, लेकिन नहीं यार खिचड़ा मटन ऐसा गल ये लेना कि आज मुझे बोटी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आज बोलेगा ना अम्मी टंगड़ी दो, आज तो बिना दांत वाले लोग भी खा सकते, जाओ अम्मी टंगड़ी दो, अम्मी बोटी डालो, अभी कैसा बोलेगा अम्मी काजू डालो। अच्छा काजू जी का आज तो कुछ हटके रेसिपी बनी है भाई, देखो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, जो चिकनापन रहता है ना उसका ऐसा रेशा बनता है। मैंने बोला अभी मैं ओरिजिनल हरीश भी बनाऊंगी, मतलब ऊंट का से लाई है, ये ऊंट का बनता है ज्यादातर। हाँ ऊंट का बनता है, लेकिन हम अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ मिलते नहीं तो कहाँ बनेगा, गरीब लोग। लेकिन गोंद वगैरह तो अपन कहाँ डालते हैं, गोंद वगैरह डालेंगे ना तो फिर मस्त। बस अम्मी बस काजू डालो, काजू काजू डालो काजू। ओहो भाई ये देखो दिख रहा नहीं, लेकिन यार बहुत इतना लजीज डिश बनी है। मेरे मैंने ना एक बार ये लाया था रमजान के टाइम पे, हम लोग जोगेश्वरी से आ रहे थे तो वहाँ पे ना रोड पे भाई डब्बे में इतना सी डब्बा। अब वो कुछ चिल्ला रहा था हलीम हरीश क्या हलीम करके कुछ चिल्ला रहा था हरीश, तो अब्बा ने ना मुझे कभी बोले थे कि मिलेगा तो लाना, तब मैं उससे पूछा भाई कितने का, तो इतना सी डब्बा 150 रुपए का, नहीं 210। हाँ मतलब वही कुछ एक्सपेंसिव था, अच्छा खासा महंगा था वो। बोला लाओ अभी अब्बा ने बोले तो ले ले, तो मैं लेके आया ना घर पे, थोड़ा सी टेस्ट किया था वो टाइम पे मैं, तो अम्मी बोले कि ये रमजान में ज्यादातर बनता है और मुहर्रम में, ताकि हम शहरी में खा सके ना तो पेट में ज्यादातर रह सके ऐसा। ये पूरा प्रोटीन एनर्जी से भर, सही बात है यार, काजू बादाम पिस्ता मटन, इसको एक कटोरा खा लो आप रमजान में भी, आपको सहरी वेरी मजा कुछ नहीं लगेगा। हाँ। आप पूरा दिन भर का काम बिना नागा किए हुए कर सकते हैं आराम से। अब और इसमें नींबू पड़ जाए ना फिर तो नींद भी नहीं आएगी। इसको नींबू कांदा, इसका खाने का पूरा एकदम हर चीज परफेक्ट चाहिए इसको, तभी तो मजा है। लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा धीरे से ऐसा 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 जो मिक्स करते हैं ना आप लोगों को। हाँ। ये डिश कैसा दिखी होगी, बोले अम्मी ने खाया दाल बनाई, नहीं नहीं ये मैं रशा रशा ओए 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 गरम हो गया। अब अपने डब्बे ना मैं 3 काजू ले लूंगा चम्मच में, 3 काजू और इसमें पीछे में काजू बादाम तो है भर के। ये देखो भाई आप लोगों ने दाल वाल गल गई, गोश्त गलाने चढ़ा दिया, कोरमे का हो गया, ये तो मटन की मलाई लग रही है। लेकिन क्या है ना इसको घोटना भी बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग इसमें ना मिक्सर में डालते और पीस लेते फटाफट वाला काम कर देते, अगर आपको वैसे जमे तो आप वैसे बहुत मस्त बनाएंगे, बहुत मस्त एकदम, ऐसा लग रहा बड़े की आइसक्रीम खा रहा हूं मैं, मतलब मटन की आइसक्रीम खा रहा हूं, बड़ा नहीं है भाई ये जो है ना, पहली बात तो बड़ा इतना जल्दी गलता ही नहीं है। हाँ, कम से कम 3.5 घंटा लेता है, इतना जल्दी गलता ही नहीं है। अगर उसका रेशा बनाना है तो, अगर उसको हलीम बनाना है तो आपका गोश्त गलेगा तभी मजा आएगा खाने में। हाँ। तो ऐसा करते हुए बढ़िया हो गया। अगर आपको अभी खाना है दोपहर में तो आप सोचोगे मैं खड़े हो जाती हूँ हलीम बनाती हूँ फिर खा लेंगे,
बहुत गजब का बना है। खिचड़ा फेले भाई, खिचड़ा फेले। तो नहीं बनेगा, आप घर में किसी को बोलोगे बैठो मैं बनाती हूँ खा लेना, नहीं। अगर आपको रात को किसी को खिलाना है तो आपको सुबह से मेहनत करने के लिए लगना पड़ेगा, तब जाके रात को ये दलीम तैयार होगा। ऐसा, और इसमें गोश्त गल गया ना कोई भी खा सकता है। आप देखे थे मैंने पूरा गरम मसाला प्लेट में निकाली थी, मैंने वो पूरा ऐड करी इसमें, कोई आधा चम्मच नहीं डाली हूँ, कुछ नहीं, पूरा डाली हूँ। और नींबू रख के ऐसा खा लेना। एक चम्मच मिर्ची की भुक्की डाली थी, और दाल में डाली थी एक हरी मिर्ची, इसमें डाली थी दो हरी मिर्ची, क्योंकि दाल है ना मिर्ची सोख भी लेता है थोड़ा, है ना। और मैंने दाल देखे आपने दो दो चम्मच, पूरा दाल सब मिक्स हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि दाल आ रहा है कि क्या आ रहा है मुंह में, ऐसा लग रहा मस्त मलाई आ रही है और एकदम मस्त वाला टेस्ट आ रहा है। इसमें आप दाल कौन सी ज्यादा डालेंगे, मैं देखते हैं ना कौन सी डालूं। उड़द की दाल चिकनी रहती है, उड़द की दाल आप छिलटे वाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, सादी उड़द की दाल भी ले सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो गोंद तो नहीं डाल रहे ना, तो उड़द की दाल ही ज्यादा डालो थोड़ी है। बहुत बच्चों ने दलीम की मेरे को रिक्वेस्ट किए थे, बहुत कमेंट्स करे थे, बहुत कि अम्मी हरीश डालो, हरीश डालो, दलीम डालो। मैं बोले चलो आज हम पका ही लेते हैं। तो भाई आज मैं बोलूंगा नहीं वीडियो अच्छा लगा नहीं, आज भी लाइक करो हमारे वीडियो को, मैं डायरेक्ट बोलूंगा आज हमारे वीडियो को बिना अच्छा लगे तो लाइक करो। बिना अच्छा लगे तो नहीं, अच्छा तो लगा ही होगा। नहीं लाइक मतलब लाइक ही करो, आज बोलूंगा नहीं लाइक करो फिर बात करते। तो यार हमारे चैनल पे जो नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 650 तक हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, 1 मिलियन की रेस में है। तो यार फटाफट हम कहां पहुंचे हैं, हमारी पूरी फैमिली, हाँ मतलब हम वही हम ऐसा। तो भाई इस हलीम दलीम और हरीश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक, क्योंकि सही में बहुत अच्छी और बहुत ही मस्त वाली रेसिपी है। और कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो हमें कमेंट करते रहना, मैं जरूर ट्राई, जल्दी या लेटी सही लेकिन आएगी जरूर जरूर आएगी, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका। अगर आप हमारी कोई रेसिपी ट्राई करते हो तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो या फोटो भेज सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं, चलते हैं, चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।